हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस, साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस, आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस, आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस, आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज़ एंड एलियंस। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज़ एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस, इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपाय। और गाइस, इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैविक ओस्टपाय ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज़ एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस, फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में, यूनाइटेड स्टेट में, और
पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइज इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉर्वर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर,
और इसको जो प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस इस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्कस पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, July 23, 2011 और July 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर। और इसको जो प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस इस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्कस पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, July 23, 2011 और July 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ।
गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने।
और गाइज इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर। और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉरवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं।
काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है गाइस। इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है गाइस। इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और
पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइज इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉर्वर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव
ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्कस पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, July 23, 2011 और July 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गाइस इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैविक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्कस पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, July 23, 2011 और July 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है।
हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस, साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस, आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस, आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस, आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस, इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस, फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में, यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में, इंटरनेशनल में। गाइस, इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, July 23, 2011 और July 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 180 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस, साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस, आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस, आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस, आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस, इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था।
गाइस इनके जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्कस पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स, और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 180 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस इनके जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्कस पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स, और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 180 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना।
गाइज़ आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज़ एंड एलियंस। गाइज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज़ एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइज़ इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज़ एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर। और इसको जो प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइज इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है हमारे चैनल पर, उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज़ एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज़ एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज़ एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर। और इसको जो प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स
और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में, यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में, इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गाइस इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैविक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉर्वर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, केओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में, यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में, इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट
एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गाइस इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर। और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 180 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है हमारे चैनल पर, उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गाइस इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर। और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में और
पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉर्वर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही है वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव
ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, July 23, 2011 और July 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, July 23, 2011 और July 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है।
हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस, साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस, आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस, आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस, आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस, इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस, फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस, इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, July 23, 2011 और July 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 180 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस, साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस, आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस, आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस, आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस, इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था।
गाइस इनके जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्कस पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स, और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में, यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में, इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट, और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था, और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस इनके जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्कस पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स, और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में, यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में, इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट, और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस।
गाइस साथ के साथ आप अपने वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइज़ आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज़ एंड एलियंस। गाइज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज़ एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइज़ इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस साथ के साथ आप अपने वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज़ एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज़ एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज़ एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं।
इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी गोसन विलियंस ने। और गाइज, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स, और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में, यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में, इंटरनेशनल में। गाइस, इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट, और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस, साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस, आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस, आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस, आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज़ एंड एलियंस। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज़ एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस, इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गाइस, इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैविक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज़ एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था, और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस, फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी गोसन विलियंस ने। और गाइस, इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स, और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में, यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में, इंटरनेशनल में। गाइस, इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट, और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस, साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस, आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस, आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस, आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज़ एंड एलियंस। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं।
काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है गाइस। इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, July 23, 2011 और July 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है गाइस। इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉवर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गेर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और
पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइज इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस अगर आप लोगों को मेरा मूवी का रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। गाइस साथ के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। गाइस आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम आईडी पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गाइस आज तक जो आपने हमारे साथ प्यार बनाए रखा है, हमारे चैनल पर उतना ही प्यार बनाए रखना। गाइस आज जो मैं आपके लोगों के सामने लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है काउबॉयज एंड एलियंस। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी रही है। चलो तो फिर इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। काउबॉयज एंड एलियंस जो मूवी थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन वेस्टर्न एक्शन फिल्म रही है। गाइस इसके जो डायरेक्टेड बाय करा था वो जॉन फेवरेस ने किया था, और स्क्रीन प्ले बाय रॉबर्ट एलेक्स कुटजमन और डैमन लाइनफॉक और मार्क फेरिजस और हाउक ओस्टपायर। और गई इसको जो स्टोरी दी थी वो मार्क फेरिजस ने दी थी, हैवक ओस्टपायर ने दी थी, स्टीव ने दी थी। ये बेस्ड ऑन थी काउबॉयज एंड एलियंस बाय स्कॉट माइकल रोसनबर्ग के ऊपर, और इसको प्रोड्यूस करा था वो ब्रियन गार्जन ने किया था, रॉन हॉर्वर्ड ने किया था, एलेक्स कुडमैन ने किया था, रॉबर्टो ऑर्की ने किया था, स्कॉट माइकल ने किया था और रोशन बर्ग ने किया था। गाइस फिल्म के जो स्टार रहे हैं वो डैनियल गैर रहे हैं, हैरिसन फोर्ड रहे हैं, ओलिविया वाइल्ड रही है, सैम रॉकवेल रहे हैं, आदम बीच रहे हैं, पाउल डैनो रहे हैं, नॉच रिंगर रहे हैं। और इसको एडिट किया था डैन लीबेंटल ने, और म्यूजिक जो दिया था वो हैरी ग्रीस गोसन विलियंस ने। और गाइस इस मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं वो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज रही हैं, जैसे कि यूनिवर्सल पिक्चर्स, ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलेटिवली मीडिया, इमेजिन एंटरटेनमेंट, के ओ पेपर प्रोडक्ट्स और फेयर व्यू एंटरटेनमेंट, प्लेटिनियम स्टूडियोज़। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है यूनिवर्सल पिक्चर्स में यूनाइटेड स्टेट में, और पैरामाउंट पिक्चर्स में इंटरनेशनल में। गाइस इसकी जो रिलीजिंग डेट रही हैं वो दो रिलीजिंग डेट रही हैं, जुलाई 23, 2011 और जुलाई 29, 2011। रनिंग टाइम जो रहा है वो 118 मिनट्स रहा है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट और लैंग्वेज इंग्लिश रही है।